संबित पात्रा को, जो उनके राज्यसभा सांसद है, जो डिबेट में आते, आप आइए टंके की चोट पे, ये फहीम आपसे डिबेट करने के लिए तैयार है। मैंने भारत मान भारत में पैदा हुआ हूँ और भारतीय हूँ, आपको वहीं पे धूल चढ़ा। मोदी जी को, मोदी जी बताइए आपका RBI से क्या रिलेशनशिप है, आपका जुडिशियल से क्या रिलेशनशिप है, आपका गोदी मीडिया से क्या रिलेशनशिप है, आपका CBI ED IT से क्या रिलेशनशिप है, मैं पूछना चाहता हूँ। 2000 ये जाहिलों को, ये गवारों को, इस तंग वाले को आता क्या है, इनको यही तो आता है, हर चीज को जाति में बांट दो, हर चीज को धर्म में बांट दो, यही तो इनको आता है, इनको एक ही चीज आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। न फैक्ट पे बात करेंगे, न तथ्य पे बात करेंगे, हर चीज को जाति में बांट दो। ये जाट की बात है, ये मुसलमान की बात है, ये OBC की बात है, OBC का अपमान कर दिया, ये कर दिया, अरे शर्म करो, शर्म करो। जिस जनता ने तुमको चुना, वो जनता तुमको रोड पे लाने का भी काम करती है। ये डेमोक्रेसी है, किसी के बाप का देश नहीं है। तुमको एक हिंदू के राम राम जी ने या भगवान जी ने आपको कोई टेंडर नहीं दिया है, पपौती लेके घूमते हो। चलो हिंदू की पार्टी हो, मैं पूछता हूँ भाजपा को, स्पष्ट तरीके से हमको बताइए। मैं मान लिया केवल और केवल हिंदू की पार्टी है, आप हमको डेटा दीजिए, माइनॉरिटी हिंदू के लिए आपने क्या क्या मोटी जी, और बेसी हिंदू के लिए आपने क्या क्या मोटी जी। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर से रोजगार मिलेगा, राम मंदिर तो हिंदू बनाएगा, अपने चंदा से बनाएगा, मस्जिद बनता है, मंदिर बनता है, गुरुद्वारा बनता है, तो अपने जाति चंदा, भाई सरकार बनती है मंदिर बनाने के लिए नहीं, सरकार बनती है अस्पताल बनाने के लिए, सरकार बनती है स्कूल बनाने के लिए, सरकार बनती है कॉलेज बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, लोगों के बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, एवोल्यूशन के लिए, देश की तरक्की के लिए, अपने बॉर्डर का रक्षा करने के लिए। देश के अंदर एवोल्यूशन कैसा है, ये प्लान होना चाहिए। ये क्या प्लान है, व्हाट इज दिस रिलीजन, मैं लोगों को बेवकूफ समझता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम मैं जातिवादियों को बोलना चाहता हूँ, आप जातिवाद में मत पड़ो। कोई नेता आता है तो उनको बोलो विकास करना है तो विकास करो, जाति के नाम पे हम नहीं बिकने वाले। व्हाट इज रिलीजन आई डोंट नो, हमारा धर्म हम समझ लेंगे। आपको विकास करना है बात करो, नहीं तो चप्पल से मार के भगाने का काम कीजिए। कोई भी नेता अगर आपके पास वोट मांगना आता है तो कहाँ, कर्नाटक में आ गया सत्ता में, हिमाचल में आ गया सत्ता में, बिहार में तो बिना इलेक्शन का भगा दिया वहाँ का लोग आपको। बिहार के अंदर 7 पार्टी एक साथ सरकार चला रही है, इनको बेवा कर दिया, मुसम्मत कर दिया बीजेपी को। कर्नाटक से गए, दिल्ली MCD से गए, और हिमाचल MCD से, हिमाचल के लोकल इलेक्शन से गए आप। कैसे कैसे काहे की बड़ी पार्टी, आप लोग जो है ना एकदम दुष्कर्म कर रहे हैं। कहाँ डंका बज रहा है, मोदी इज नॉट कंट्री, भारत का संविधान आपने नहीं पढ़ा क्या, हम भारत के लोग, भारत को हम संविधान है, हम देश है। व्हाट इज मोदी, हु इज मोदी, मोदी इज इंडिया प्राइम मिनिस्टर नाउ, 17 प्राइम मिनिस्टर थे, अब वो आए हैं, आज आए कल जा सकते हैं, वो कोई देश नहीं है। मोदी इज नॉट कंट्री, मोदी इज ओनली प्राइम मिनिस्टर। आप लोग जैसे गोदी मीडिया जो है ना, इसको एकदम मोदी 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 मोदी, अब मोदी खाएगा मोदी, प्रधानमंत्री। डेमोक्रेसी के अंदर जनता मालिक है और जो है नेता नौकर है, लीडर इज सर्वेंट, लीडर इज नॉट किंग। तो जनता ही तो चुन के मोदी को भेजी है। अरे भाई आप जब जनता के बीच में आए थे, 13 का बयान नहीं सुने मोदी जी का, 2 करोड़, 15 लाख, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। मित्रों ये अभी जांच नहीं हो रहा, उस टाइम में UPA की सरकार, मित्रों बताइए जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मित्रों बताइए गैस का रेट कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मित्रों बताइए करेंसी कैसे कम हो गई, बांग्लादेश की करेंसी नहीं कमती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं कमती है, ये करेंसी कैसे कम हो गई, अब बताइए ना। अब इनकी जो है फाइनेंस मिनिस्टर, वो आके फायदा दिखाती है, और जो गोदी मीडिया है वो सूत्रों के हवाले से जो न्यूज परोसने काम करता है वो बोलता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जिस तरीके से डॉलर का रेट का घटने से जो है विदेशों में रहने वाले लोग को फायदा। इंडिया के लोग की बात करो, विदेश व्हाट इज कैन, फॉरेन की बात क्यों करना भाई, हमको विदेश से क्या करना। जो आज तक चैनल है, जो ABP चैनल है, क्या आज जाके उनके देखिए ऑफिशियल चैनल पे, उनका ऑफिशियल आप YouTube पे जाकर के देखिए। पाकिस्तान यहाँ पे देख सकते हैं, पाकिस्तान को ये हो गया, पाकिस्तान में इमरान खान को जेल हो गया, इमरान खान को बेल हो गया, इमरान खान को ये हो गया। इमरान खान कौन है, बड़ा बाप है इमरान खान, कौन है इमरान खान, क्या इमरान खान का आप क्यों बोलते हो, तिरंगे का नाम पर आती है वहाँ पे आप क्या हो जाता आपको। ये मैं आपके देशवासियों से अपील करना चाहूंगा, तो कहते हैं कि मेरे घर की बेटी है,
घर की बेटी है, फोटो खिंचाना है, नाम बस, इनको कुछ नहीं चाहिए, अपना इज्जत, अपना शोहरत, अपने पार्टी को मजबूत, बस यही चाहिए। राशन भी तो दे रही है सरकार, ये 5 किलो राशन दे के जितना प्रवक्ता सब एक ही चीज को रट्टा लगा, राशन राशन राशन। अरे बजट 70 जो आया है उसके हिसाब से क्या काम हुआ? हर विभाग में आपने क्या काम किया वो बताइए, हर सेक्टर में आपने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन में आपने क्या किया, IRCTC में आपने क्या किया, हेल्थ में आपने क्या किया, एजुकेशनल में आपने क्या किया? हम वेल एजुकेटेड लोग हैं, हम लोग डेटा फैक्ट एलिमेंट्स में बात करते हैं, इवोल्यूशन में बात करते हैं। जनता भी तो 5 किलो राशन का वोट दे रही है, कहाँ वोट दे रही है? बीजेपी जब पॉजिटिव कमिटमेंट कर रही थी, बीजेपी जब बड़े बड़े वादे कर रही थी, मोदी जी जब बड़े 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 जुमलेबाजी कर रहे थे, तब जनता ने उनको इलेक्ट किया। अब ये सरकार एक्सपोज हो चुकी है, ये सरकार अब गिरने वाली है, अब ये भारतीय जनता पार्टी में कोई दम नहीं है और हर जगह से ये गिर रही है, लोकल इलेक्शन हार रहे हैं, विधानसभा इलेक्शन हार रहे हैं, अब इनका कुछ नहीं है, अब देश के अंदर इनका सुपड़ा साफ है। 24 में इनका सुपड़ा साफ है, 19 के बाद रीजनल पार्टियों ने इनका साथ छोड़ा, पंजाब अकाली दल ने छोड़ा, बिहार जनता दल यूनाइटेड ने छोड़ा, महाराष्ट्र के जो है उद्धव ठाकरे ने छोड़ा, अब इनका साथ हिमाचल ने छोड़ा, कर्नाटका ने छोड़ा, दिल्ली MCD ने छोड़ा, हिमाचल लोकल इलेक्शन ने छोड़ा, अब इनका साथ पूरा देश छोड़ गया। 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? जो भी प्रधानमंत्री बनेगा ये मोदी से बहुत अच्छा देश को चलाएगा, इतना भ्रष्ट नहीं। डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग प्रधानमंत्री नहीं चुनते, हम लोग MP इलेक्ट करते हैं, MP अपना नेता चुनेगा। ऊपर के चेहरे के नीचे वोट दिया जाता है, अब चेहरा कौन है? मैं पॉलिटिकल कोई नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, तो मैं इस पे कमेंटमेंट नहीं करूँगा। क्या प्रॉब्लम है? लाए क्यों? उससे क्या फायदा हुआ? देश का क्या फायदा हुआ? तुम्हारा फायदा नहीं, देश का क्या फायदा हुआ? उस टाइम बताया जा रहा कि बहुत लंबी लाइन लग रहे थे, तो नोट छापना बहुत मुश्किल हो रहा था, एक नोट में 2000 रुपए एक्सचेंज एक साल करवा सकते। बंद क्यों करे 500,000 के नोट? बंद क्यों करे 500,000 के नोट? तुम्हारी बाप की बबौती है क्या? बंद करने का सबसे बड़ा रीजन है ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी आया, ब्लैक मनी अगर आया है देश के अंदर नोटबंदी होने से, तो वो ब्लैक मनी को आपने कहाँ यूज किया, किस विभाग में यूज किया, क्या वो भ्रष्टाचार में गया है? तो इससे हमको कोई फायदा नहीं। 17-18 तक 2000 के नोट छपे, ठीक है, उसके बाद 2000 के नोट छपना बंद हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि अब तक जो 2000 नोट जो छप रहे थे, 1461 करोड़ रुपए खर्च हुए, आज 2000 के नोट बंद कर दिए भारत सरकार ने। तो ये 1461 करोड़ रुपए किसके थे, उसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आके देना होगा, जो अब तक